आने वाले 25 साल हम दुनिया की जिम्मेवारी लेने वाले लोग होंगे। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रहा है, G20 की प्रेसिडेंसी भारत की नेतृत्व में चल रहा है, एक प्रकार से अघोषित तीसरा विश्व युद्ध यूक्रेन रशिया की झगड़े के कारण आज दुनिया की अर्थनीति डोलड्रम में है। भारत के प्रधानमंत्री, कभी सोचिए, एक समय था भारत की भुखमरी को मिटाने के लिए हमें अमेरिका से PL4 स्कीम पे सड़ी हुई गेहूं खरीदना पड़ता था। आज भारत की प्रधानमंत्री रशिया की प्रेसिडेंट को फोन करते हैं, यूक्रेन की राष्ट्रपति को फोन करते हैं कि मेरे बच्चे आएंगे, दोनों गोली बारूद बंद करो, मेरे बच्चों को लाने दो। भारत के झंडे के नीचे पाकिस्तान के बच्चे भी आ गए। यह आज भारत की ताकत है। अभी अभी मैं फोन पे देख रहा था न्यूज, प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग के लिए जापान पहुंचे हैं और जापान में पहुंच के उन्होंने जेलेंस्की को मिला। शायद विश्व की एक ही नेता होंगे जो रशिया को भी मिलते हैं और यूक्रेन को मिलते हैं, दुनिया के कोई देश के इकट्ठा नहीं मिलता है। यह भारत की ताकत है, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत है। मित्रों, आज आइए, आने वाले 25 साल में ये जो छोटे पहल हम करें, इसको मत मानिए, आप आए घूमे देखें। आप लोगों में जिन्होंने पारादीप की रिफाइनरी को देखा होगा, अब जानते उस रिफाइनरी में कितने लोहा लगा है। उस लोहे को अगर हम एक तार के नाते नापेंगे, पूरा दुनिया को दो राउंड कर देगा, इतना लोहा उसमें लगा है। अगर सेंटीमीटर में हम उसको गिनेंगे, इतना लोहा लगा है कि उसको दो बार वर्ल्ड को घुमा सकता है। क्या मार्वलस! मैं जब पहले देखा, मैं संयोग से उस विभाग के काम पे था और मैं प्रधानमंत्री जी को लेके आके उसको उद्घाटन करवाया था। जब उसको मैं भी पहले देखने के लिए गया, मेरे मन में आया कि भारत क्या बन चुका है। कभी आप लोगों ने उड़ीसा के बच्चे जब गए, जाके राजस्थान में दिख के आए होंगे, वो हवा महल सिर्फ एक टूरिस्ट पॉइंट है या एक वैज्ञानिक केंद्र है? एक साइंटिफिक पॉइंट है। मित्रों, हमारे देश में कोई भी चीज ज्ञान की बिना कुछ नहीं बना है। आप रघुराजपुर गए, रघुराजपुर की फाइननेस दुनिया की कोई भी प्रिंटिंग से ऊपर है, कोई भी प्रिंटिंग से ऊपर है। मित्रों, इस देश को प्रभु ने बनाया है और हम सौभाग्यशाली हैं, आज हम लोग इसी देश में नागरिक के रूप में हैं। और हमारी पास जिम्मेवारी है, हम विश्व की कल्याण की चिंता करने वाले लोग हैं। इसलिए भारत सरकार, शिक्षा विभाग कमिटेड है इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए, और आप लोगों ने सौभाग्य दिया इस परंपरा को आगे नेतृत्व करने का। जिस प्रकार की आत्मविश्वास, जिस प्रकार की दृष्टि, जिस प्रकार के अनुभव, उसके ऊपर विनय, संवेदना, समर्पण, भावना, ये मित्रों ऐसे ही नहीं आता है, कुछ होता तो आता है, हमारे बीच में है, इसीलिए आया। आइए हम सब मिलके इस भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। आपको फिर स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।